हेलो। 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 यस सर। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। आपको पता नहीं था क्लास है? सर, पता था सर। और कोई बच्चा आएगा? कंफर्म नो सर। है? वेट ना करें फिर। यस सर। वी विल डू द रिवीजन फॉर द फर्स्ट यूनिट। ठीक यस सर। ठीक है, टुडे वी विल डू द रिवीजन फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ एयरलाइन एंड फ्लाइट सर्विसेज। तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे इसमें कुछ, क्योंकि सिलेबस तो कवर हो ही गया हमारा। हेलो, पूछ यस लो ना क्वेश्चंस। सर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक, हम इसमें चलते हैं पहले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलाइंस, विच व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरलाइंस, कौन कौन सी होती हैं अलग अलग तरह की एयरलाइंस। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, और रीजनल, इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल। इंटरनेशनल कौन सी होती है? सर जो अलोंग द वर्ल्ड ट्रेवल करती है। और कुछ इनकी स्पेसिफिकेशन? लग्जरी होती है, हाई कॉस्ट में चलती है। रेवेन्यू कैसा रहेगा इनका? हेलो, यस सर। रेवेन्यू कैसा रहेगा इनका? तो सर मेरे को नहीं पता। ने पढ़ा नहीं है? क्यों? नहीं ऐशना बताओ। यस सर। रेवेन्यू कैसा रहेगा? वो हाई रहेगा। रेवेन्यू ज्यादा ही रहेगा। क्यों रहेगा ज्यादा? बिकॉज ये लार्ज पैसेंजर जो जेट्स हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में वो भी ज्यादा होंगे, और प्लेन्स जो हैं वो नॉर्मली बड़े होंगे एज कंपेयर टू नेशनल एयरलाइंस। हेलो, सुन रहे हैं ना? यस सर। ऑडिबल हूँ ना प्रॉपरली मैं? ठीक यस सर। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड, नेशनल एयरलाइन। नेशनल एयरलाइंस कौन सी होती है? जो सर विदिन कंट्री ट्रैवल करती हैं। नेशनल एयरलाइन रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेप डाउन फ्रॉम द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन। इंटरनेशनल एयरलाइन से एक स्टेप डाउन होती है ये, और उसके बाद क्या होगा, इनमें दोनों तरह के जो जेट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, मीडियम साइज भी और लार्ज साइज भी।
बड़े साइज के जेट्स भी अवेलेबल होंगे और मीडियम साइज के जेट्स भी अवेलेबल होंगे। और उसमें मतलब इनका मेन रहेगा फोकस एरियाज पे अपनी सर्विसेज ऑफर करने का, ये मेन फोकस होता है इनका विद इन देयर होम कंट्री। होम कंट्री कौन सी भी, सपोज अगर इंडिया की कोई एयरलाइन है तो विद इन इंडिया ही वो ऑपरेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के ऑपरेट होंगी। अगर कैनेडियन कोई एयरलाइन है नेशनल, तो फिर वो कनाडा में ही डिफरेंट डिफरेंट उनकी कैनेडियन स्टेट्स में ही ऑपरेट होंगी, ट्रैवल होंगी। ठीक है, यस सर। उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास रीजनल एयरलाइंस। रीजनल एयरलाइंस कौन सी होगी जो स्पेसिफिक रीजन में रहेंगी। यस सर। एमएसटी के मार्क्स मिल गए आप लोगों को? क्या बोल रहे हो सर? एमएसटी के मार्क्स मिल गए हैं? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। फिर आता है हमारे पास शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड एयरलाइंस कौन कौन सी होती हैं? शेड्यूल्ड एयरलाइंस क्या होता है? सर जिनका मतलब कि वो होता है पर्टिकुलर शेड्यूल होता है ट्रैवल करने। ओके, और कुछ इसमें कुछ बेनिफिट इसका? और मतलब कि इनका शेड्यूल कभी चेंज होता है, ये सेम ही रहता है। हम इनमें ट्रैवल करने के लिए मतलब कि अगर टिकट बुक करवानी है तो हम पहले भी करवा सकते हैं, काफी टाइम पहले। वो उसी टाइम पे उसी चेंज जस्ट नहीं मिनट होता सर बताएंगे इनका कुछ? टाइम। शेड्यूल एयरलाइंस कौन सी होती है जो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही ऑपरेट होती है। इनका शेड्यूल जो है फिक्स रहेगा और एडवांस में पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे वो कुछ महीने पहले हो जाए या फिर कई बार क्या होता है साल साल पहले भी इनका शेड्यूल प्लान हो जाता है, चाहे पैसेंजर्स हो चाहे ना हो, ये अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से ऑपरेट होंगी ही होंगी। दे हैव अ फिक्स टाइमिंग एंड अ फिक्स फ्लाइट नंबर एंड ऑपरेट बिटवीन फिक्स रूट्स। फ्लाइट टाइमिंग भी फिक्स होगी, फ्लाइट नंबर भी फिक्स होगा और फिक्स रूट पे ही ये ऑपरेट होंगी। फिक्स रूट पे ऑपरेट होंगी मतलब कि रूट जो है इनका वो फिक्स रहेगी। सपोज 9 से 11 बजे की फ्लाइट है दिल्ली टू चंडीगढ़ की, एक एग्जांपल ले लो, दिल्ली टू चंडीगढ़ की 9 से 11 बजे की फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर है IX340, तो वो IX340 ही रहेगा, उसका रूट भी दिल्ली टू चंडीगढ़ ही रहेगा और टाइमिंग भी 9 से 11 ही रहेगा। आज डिसाइड कर लिया, साल बाद 2 साल बाद हमेशा वो ही रहेगा, उसमें कभी भी कोई मेजर चेंज नहीं होगा। दीज एयरलाइंस आर दस कमिटेड टू ऑपरेटिंग फ्लाइट्स फॉर द सेट पीरियड्स ऑन द सेट रूट्स वेदर दे हैव फुल ऑक्यूपेंसी और नॉट। वही पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि चाहे इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर कम हो चाहे नंबर ऑफ पैसेंजर ज्यादा हो, फुली ऑक्यूपाइड हो फ्लाइट या फिर ना हो, इनका जो रूट है जो टाइमिंग्स है वो कमिटेड ही रहेंगे। और ये मतलब अगर कम पैसेंजर्स भी हो तो भी ये फ्लाइट चलेंगी ही, कैंसिल नहीं होंगी कि नंबर ऑफ पैसेंजर कम है तो फ्लाइट कैंसिल होगी, नहीं। ठीक है यस सर। ना? हेलो, यस सर। इसमें अगर हमें टिकट्स बुक करनी है तो हम एक एक साल पहले भी एडवांस में बुक कर सकते हैं। एक साल पहले एडवांस में बुक कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये फ्लाइट्स का कभी भी चेंज नहीं होगा, रूट में और टाइमिंग्स में और फ्लाइट नंबर में किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी। समझ आ रहा है? यस सर। वैसे ये टाइम मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछने का है, मुझे फिर दोबारा समझाना होता है। के बाद आता है हमारे पास
जो शेड्यूल होगा वो भी प्री डिटरमाइन होगा, फिक्स होगा एयरलाइन की तरफ से। फिर उसके बाद शेड्यूल एयरलाइन हैव अ फिक्स प्री डिटरमाइन फ्लाइट नंबर व्हिच इंडिकेट्स रिप्रेजेंट इट्स टाइम एंड रूट। तो इसके बाद शेड्यूल एयरलाइंस है जो उनका फ्लाइट नंबर भी वो प्री डिटरमाइन पहले से ही फिक्स होगा, ठीक है, जो इंडिकेट करेगा उसके टाइम को और रूट को। इसका एग्जाम्पल वही है जैसे एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है दिल्ली टू बॉम्बे के बीच में 7 बजे चलेगी, फ्लाइट नंबर है AI 0887, एक एग्जाम्पल है सपोज, जैसे मैंने आपको पहले दिया ये एग्जाम्पल है कि ये अगर एयर इंडिया की फ्लाइट है AI 0887 तो वो दिल्ली टू बॉम्बे के लिए ही चलेगी और 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे ही चलेगी। इसको एक फ्लाइट नंबर फिक्स हो गया AI 0887 जो है वो फिर किसी और रूट पे नहीं चल सकेगा, सिर्फ इसी रूट पे जो है ऑपरेट होगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद आता है हमारे पास शेड्यूल एयरलाइन। शेड्यूल इज ड्रोन अप वेरी वेल इन एडवांस, द पैसेंजर हैव द कन्वीनियंस ऑफ बुकिंग देयर फ्लाइट एट लीस्ट अ ईयर इन एडवांस। शेड्यूल एयरलाइंस का जो शेड्यूल है वो बहुत ही पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से बना होगा एडवांस में, और इससे क्या है पैसेंजर्स को ये कन्वीनियंस हो जाएगी, ये सहूलियत हो जाएगी पैसेंजर्स को, ठीक है, ये एडवांटेज मिलेगा कि वो अपनी फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो 1 साल पहले भी बुक कर सकते हैं एडवांस में, बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। शेड्यूल एयरलाइन इज ड्रोन अप वेरी वेल इन एडवांस एंड द पैसेंजर हैव द कन्वीनियंस ऑफ बुकिंग देयर फ्लाइट्स एट लीस्ट अ ईयर इन एडवांस। तो पैसेंजर्स को ये कन्वीनियंस होंगी कि वो अपने फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो 1 साल पहले एडवांस में बुक कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल एयरलाइंस ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड व्हिच आर फिक्स्ड एंड आल्सो सम ऑफ द सर्विसेज कैन बी बुक्ड इन एडवांस। शेड्यूल एयरलाइंस में क्या होता है कुछ सर्विसेज हैं जो एडवांस में, कुछ सर्विसेज हैं जो बोर्ड में मतलब फ्लाइट में फिक्स होंगी और कुछ सर्विसेज को आप एडवांस में बुक कर सकते हो, ये ऑप्शंस होंगे आपके पास। दीज एयर सर्विसेज विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन व्हेन देयर इज नो फुल ऑक्यूपेंसी इन द फ्लाइट। ये जो एयर सर्विसेज हैं शेड्यूल एयर सर्विसेज ये कंटिन्यू ही रहेंगी चाहे ऑक्यूपेंसी फुल ना हो फ्लाइट में, अगर नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो कम है तो भी जो फ्लाइट है वो अपने टाइम के हिसाब से ऑपरेट होगी रन करेगी। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल्ड में क्या होता है बताओ। सर कॉल आ रही है कॉलेज से। करो थैंक इसके लिए ये कर लो टेंट कॉल सर बाद में कर लूंगी मैं, फीस के लिए बोलेंगे ये फीस मैंने बाद में देनी है। कौन से सेमेस्टर की फीस है लास्ट की सर? इस वाले की सिक्स सेमेस्टर की सेवेंथ की सर? सेवेंथ की नहीं है फीस, सिक्स्थ की है। तो आपका 3 ईयर है फोर ईयर है सर? 4 ईयर है सर, जब हमने एडमिशन लिया तो हमें बोला था कि तुम्हारी सिर्फ 3 ईयर तक की फीस होगी, फोर्थ ईयर की फीस नहीं होगी। क्यों सर? क्योंकि उस टाइम हमें बोला था कि 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी 6 सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक, बट अभी कोरोना के चलते उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया था। अच्छा तो नॉन शेड्यूल्ड बताओ मुझे क्या होता है एक बार। सर ये चार्टर सर्विसेज होती हैं तो सर मतलब कि इनका कोई शेड्यूल नहीं होता है, ये सीजनली ट्रैवल करती हैं। नॉन
शेड्यूल जो है आपकी बात ठीक है कि एयर चार्टर जैसे होते हैं, प्राइवेट प्लेन हम प्राइवेट चार्टर जो है वो हायर कर लेते हैं, तो इनका मेन फोकस अब इसमें दो चीज होती है, एयरलाइन है, एयरलाइन का मेन फोकस क्या रहेगा रेवेन्यू का, कि उनकी टिकट सोल्ड होंगी, सीट्स नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाइड होगी तो उनके पास ज्यादा पेमेंट आएगी, बट चार्टर में ऐसा नहीं होता। चार्टर कंपनीज का फोकस किस पे रहता है, इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल प्राइवेट एयरक्राफ्ट पे, उनकी आइटनरीज क्या है, आइटनरीज क्या होती है, सर क्या आइटनरी सर मतलब कि वो जाने से पहले प्री प्लान्ड हमें सब पता होता है कि हमने कहाँ पे ट्रेवल करना है, कहाँ रहना कहाँ रहना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, ये सब चीजें। ठीक है, है। तो एयर चार्टर का सारा फोकस जो है वो उन पे ही रहेगा कि इनका कितने टाइम का ट्रिप होगा, कितने इनकम उनको जनरेट होगी इस चीज से, ये सब चीजें। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर क्लोज टू 15,000 जेट्स अवेलेबल फॉर चार्टर इन द वर्ल्ड वाइड। एस्टिमेट आइडिया है कि 15,000 बिजनेस जेट्स जो है वो अवेलेबल है चार्टर सर्विसेज के लिए पूरे वर्ल्ड में। US एंड यूरोप आर द लार्जेस्ट मार्केट फॉर चार्टर सर्विसेज विद ग्रोइंग एक्टिविटी इन द मिडल ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल अमेरिका। US और यूरोप में जो है सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट है, मतलब किस चीज की, एयर चार्टर की, चार्टर सर्विसेज वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो लोग यूज करते हैं और ग्रोइंग एक्टिविटी है, अभी भी लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं मिडल ईस्ट एशिया में और सेंट्रल अमेरिका में। चार्टर एयरलाइंस फेयर्स आर कंपैरेटिवली हायर एज कंपेयर ऑफ द शेड्यूल एयरलाइन। चार्टर सर्विसेज जो है, चार्टर एयरलाइंस जो है उनका फेयर जो है, जो उनका खर्चा है वो ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्यों होगा ज्यादा चार्टर का खर्चा? क्योंकि सर वो मतलब कि इंडिविजुअल जब ऑपरेट करते क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पैसेंजर जो है हैं तो वो, सर मतलब हाँ, पैसेंजर जो क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो कम रहेंगे एज कम्पेयर टू शेड्यूल एयरलाइन। शेड्यूल एयरलाइन की मेन इनकम किससे होगी? सिर्फ अपनी टिकट्स को सोल्ड करके। बट यहाँ पे चार्टर एयरलाइंस का जो फोकस रहेगा वो इंडिविजुअल पर्सन पे रहेगा, उनकी प्लानिंग पे रहेगा, उनकी आइटनरीज पे रहेगा कि उनका कितने टाइम का ट्रिप है, क्या क्या उनको एक्टिविटीज करनी है, कहाँ कहाँ पे वो लोग ट्रेवल करेंगे, इन सब चीजों पे उनका फोकस रहेगा और इस हिसाब से उनके जो फेयर्स हैं वो डिसाइड होंगे। तो इसलिए फेयर्स जो है इनके कंपैरेटिवली हायर रहेंगे एज कंपेयर टू शेड्यूल एयरलाइंस। दिस इज बिकॉज चार्टर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एयर टैक्सीज, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। एयर टैक्सी क्या होती है? सर जो छोटी होती है साइज में और एक डिस्टेंस में ट्रेवल करती है थोड़े से अच्छा, और कुछ? बस। तुमने असाइनमेंट की सिर्फ पीपीटी की सबमिट करवाई थी पहले, तुम ये बताओ। सर मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे घर सारे बीमार पड़े हैं सर। क्या हुआ? कोरोना? मैं नाना जी को सर तो पीपीटी बनाई है तुमने, तुम असाइनमेंट भी तो बना सकती थी पीडीएफ फॉर्म में। मैं आपको सच्ची सच्ची बता देती हूँ, वो पीपीटी भी मैंने नहीं बनाई सर। अच्छा अभी भी सर मैं रोटी बना रही हूँ, फिर भी क्लास लगा रही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। चलो। एयर टैक्सी क्या होती है? एयर टैक्सी होती है कमर्शियल एयरक्राफ्ट विच मेक शॉर्ट फ्लाइट्स ऑन डिमांड मच लाइक द कार रेंटल सर्विस। जैसे हम कार को किसी रेंट पे हायर कर लेते हैं वैसे ही एयर टैक्सीज होती है। एयर टैक्सीज में क्या होता है कि ये शॉर्ट फ्लाइट्स जो है वो ही रन करेंगी, वो भी सिर्फ डिमांड पे, अगर कोई डिमांड होगी तो, अदरवाइज नहीं। देयर आर स्मॉल एयरक्राफ्ट एंड नॉर्मली यूज फॉर शॉर्ट ट्रेवल्स। इनके पास जो ज्यादातर रहते हैं वो स्मॉल एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट रहेंगे और नॉर्मली वो यूज होंगे शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए वो जो है यूज होंगे स्मॉल एयरक्राफ्ट। दिस सर्विस यूज वर्ल्ड वाइड बाई बिजनेस एक्सिक्यूटिव, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज एंड अदर्स हु आर प्रेस्ड फॉर टाइम। ये सर्विसेज जो ज्यादातर हैं पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं बिजनेस क्लास लोग, जो ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं बड़े, कोई सेलिब्रिटीज होगी, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज होगी या फिर
ये सब लोग इसे जो है वो यूज करेंगे। दिस एयर सर्विस इज एफिशिएंट वे टू सेव टाइम, दे आर नॉट कंपेल्ड टू फ्लाई एज पर द शेड्यूल ऑफ रेगुलर एयरलाइन। तो डोमेस्टिक जो एयर टैक्सी है, टैक्सी का बेनिफिट क्या होगा, नेशनल क्या होगा बेनिफिट एयर टैक्सी? सर कंफर्टेबल होएगी और जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी। हाँ, तो इसमें कंफर्टेबल और जल्दी डिस्टेंस तो है ही, प्लस साथ में क्या होगा कि टाइम सेव होगा। अगर किसी पैसेंजर को, मतलब सपोज एयर इंडिया की फ्लाइट से जाना है कहीं पे, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लो, 7 बजे की फ्लाइट है, तो उसको 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा चेक इन फॉर्मेलिटीज के लिए, यस सर। पहुंचना पड़ेगा ना 1 घंटे पहले। 6 बजे पहुंचना है तो 4-5 बजे उठना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा घर से। बट इसमें क्या है, इसमें ये सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, आपको एयरलाइन के हिसाब से ट्रैवल नहीं करना, आपके हिसाब से एयरलाइन ट्रैवल करेगी। आप जो पैसेंजर को टाइम जिस टाइम पे चाहिए होगी, उस टाइम पे जो है एयर टैक्सी अवेलेबल होगी। लेकिन एयरलाइंस दूसरी क्या होता है, जो शेड्यूल एयरलाइंस होगी वहां पे जो उनका शेड्यूल टाइम होगा उसके हिसाब से पैसेंजर्स को रेडी रहना होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो एयरक्राफ्ट है वो पैसेंजर के टाइम के हिसाब से रेडी रहेगा। पैसेंजर ने बोला कि इस टाइम पे मेरे को चाहिए, तो इस टाइम पे एयरक्राफ्ट रेडी मिलेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। ठीक, हेलो हेलो। यस सर। तो इससे बहुत ज्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है, दीज डेज मेनी आर यूजिंग प्राइवेट एयर टैक्सी फॉर लग्जरी ट्रेवल टू ऐड देयर कंफर्ट एंड टू एनहांस देयर एक्सपीरियंस। आजकल जो है वो बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करने लग गए प्राइवेट एयर टैक्सीज को, किस चीज के लिए, लग्जरी ट्रेवल के लिए और अपने कंफर्ट लेवल को और एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। एयर टैक्सीज टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू शेड्यूल एयरलाइन, एज द इंटायर एयरक्राफ्ट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द पर्सन हु हायर दिस सर्विस। एयर टैक्सी का जो फेयर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू शेड्यूल एयरलाइन। शेड्यूल एयरलाइन से इसका जो रेंट है, जो फेयर है वो ज्यादा रहेगा, हाइयर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंटायर एयरक्राफ्ट है, पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो किसके मर्जी से होगा, मतलब किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, जिस पर्सन ने वो एयरक्राफ्ट की सर्विसेज को हायर किया है, परचेज किया कुछ टाइम के लिए सपोज, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो उसकी मर्जी से ही सारा ऑपरेट होगा। फर्क समझ में आ गया, यस सर। क्या डिफरेंस हुआ शेड्यूल्ड में और एयर टैक्सी में? शेड्यूल अपने शेड्यूल के हिसाब से चलती है, उसमें पैसेंजर्स को एयरलाइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। टैक्सी में टैक्सी जो मतलब कि जो क्राफ्ट होता है टैक्सी का, फ्लाइट होती है वो सर पैसेंजर के अकॉर्डिंग चलती है। और फेयर जो है वो ज्यादा रहेगा एयर यस सर। टैक्सी का एज कम्पेयर टू शेड्यूल। अलोंग विद द एयर टैक्सी सर्विसेज ऑफ द पायलट एंड क्रू आर आल्सो प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। एयर टैक्सी सर्विसेज के साथ जो पायलट है और क्रू मेंबर है वो भी अगर पैसेंजर की रिक्वेस्ट हो तो अवेलेबल हो जाएंगे। द एयर टैक्सी में आइदर ऑपरेट फ्रॉम रेगुलर एयरपोर्ट और प्राइवेट एयर टर्मिनल्स। एयर टैक्सी या तो अपने रेगुलर एयरपोर्ट से जो है वहां से ऑपरेट हो सकती है, या फिर उनके जो प्राइवेट एयर टर्मिनल होते हैं वहां से हो सकती है। व्हेन ऑपरेटिंग फ्रॉम प्राइवेट एयर टर्मिनल पैसेंजर कैन अवॉइड द हजल बजल ऑफ बिजी एयरपोर्ट्स एंड द क्यूज थ्रू द सिक्योरिटी। अगर जो एयरक्राफ्ट है हमारे वो प्राइवेट एयर टर्मिनल से ऑपरेट होंगे तो पैसेंजर को क्या होगा, पैसेंजर के लिए अच्छा है कि वो बुरा है, अगर जो एयरक्राफ्ट है वो प्राइवेट एयर टर्मिनल से ऑपरेट होंगे तो उसका बेनिफिट है पैसेंजर को या नुकसान है फिर बेनिफिट ही होगा। किस चीज में, क्यों होगा बेनिफिट? चलो उनको वहां मतलब रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं इतने करने पड़ेंगे, एयरपोर्ट्स का जो रश होगा, ठीक है, हसल वो नहीं और होगा बसल सब। जो होगी उससे वो बच जाएंगे, और जो लंबी लाइंस होंगी सिक्योरिटी में उससे भी वो बच जाएंगे।
के प्राइवेट एयर टर्मिनल में इतना रश नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो ही मूव करेंगे, लेकिन जो बाकी सारे पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट से ही मूव करेंगे, तो वहां पे इसलिए लंबी लाइंस होंगी और टाइम कंज्यूमिंग होगा वो प्रोसेस ज्यादा। यस सर। एग्जाम्स की तैयारी कर दी आप लोगों ने? शुरू नहीं सर अभी नहीं करी। कर दो उसको पढ़ना शुरू, ठीक है। एमएसटीज में भी कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बच्चों, मैंने चेक किया तुम्हारा तो फिर भी ठीक था, बाकियों का तो बहुत बुरा हाल है। सर रिजल्ट कब तक अपलोड होएगा फेडिना पे? पता नहीं, मैं पूछूंगा, बट आएगा फेडिना पे यार। बाकी बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है तुम्हारी क्लास का, एमएसटीज भी नहीं वो ढंग से दे सकते, बच्चों ने क्वेश्चन ही आंसर ही नहीं दिए हुए, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करे हैं क्वेश्चन। कई बच्चे हैं जिन्होंने 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करे। एडवांटेजेस क्या होंगे एयर टैक्सी के, कुछ एडवांटेजेस मेरे को बता दो। सर टाइम कंज्यूम होएगा, टाइम, हेलो, मतलब कि टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, कंज्यूम होएगा वो। कम कंज्यूम होएगा। यस सर। और सर मोर कंफर्टेबल होती है, लग्जीरियस होती है ये। प्राइवेसी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी पैसेंजर्स की, ठीक है। यस सर। सपोज कोई सेलिब्रिटी है वो शेड्यूल एयरलाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो हर कोई आके तंग कर ही जाएगा, यस सर। सेलिब्रिटी है कोई एक्टर है कुछ है, बट यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेसी रहेगी। प्राइवेसी कैसे रहेगी कि सिर्फ और कोई पैसेंजर होंगे ही नहीं, सिर्फ जो जिसने हायर करा हुआ वो ही होगा। यस सर। उसके बाद एयर टैक्सी में क्या बेनिफिट रहेगा पैसेंजर को, कि वो अपने टाइम के हिसाब से ट्रेवल कर सकते हैं, अपना टाइम खुद चूज कर सकते हैं, जिस टाइम पे उनको कन्वीनियंट लगेगा, जिस टाइम पे वो कंफर्टेबल होंगे उस टाइम पे वो ट्रेवल कर सकते हैं। यस सर। उसके बाद एक बेनिफिट ये आएगा कि उनको एक्सेस रहेगा प्राइवेट एयर टर्मिनल्स में, प्राइवेट एयर टर्मिनल का हर एक पैसेंजर को एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने एयर टैक्सी की सर्विसेज ली है वो उनको एक्सेस मिलेगा प्राइवेट एयर टर्मिनल्स का। उसके बाद एयर टैक्सीज कैन बी यूज्ड टू ट्रैवल टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, इवन दीज प्लेसेस व्हिच कैटर्ड बाय शेड्यूल्ड एयर सर्विसेज। एयर टैक्सी जो है यूज्ड टू ट्रैवल एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, इवन दोस व्हिच प्लेसेस आर व्हिच कैटर्ड बाय शेड्यूल्ड एयर सर्विसेज। एयर टैक्सीज जो है वो किसी भी प्लेस पे ट्रेवल कर सकती है पूरे वर्ल्ड में, किसी भी जगह पे जा सकती है, चाहे वहां पे शेड्यूल एयरलाइंस भी जाती हो चाहे ना जाती हो, लेकिन एयर टैक्सीज जो है वो हर जगह पे ऑपरेट हो सकती है। उसके बाद आता है द पैसेंजर हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट एनी एयरक्राफ्ट ऑफ देयर प्रेफरेंस। पैसेंजर के पास है जो वो चॉइस होगी कि वो अपनी मर्जी का कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरप्लेन जो है वो चूज कर सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्ट हॉल और लॉन्ग हॉल। शॉर्ट हॉल और लॉन्ग हॉल क्या होते हैं? शॉर्ट हॉल क्या होता है? सर इनमें जो इनका रूट होता है वो शॉर्ट होता है, ज्यादा लंबा रूट नहीं होता है, मैक्सिमम 2 1.5 घंटे को होगा। और लॉन्ग हॉल? सर इनका रूट भी लंबा होता है, टाइमिंग भी ज्यादा होती है। लॉन्ग हॉल जो फ्लाइट होगी वो नॉर्मली हमारी 6 से जो 12 घंटे की फ्लाइट होगी उसको हम लॉन्ग हॉल बोलेंगे। यस सर। और जो 3 घंटे से क्या होगा, 3 घंटा या फिर 3 घंटे से कम होगी उनको हम शॉर्ट हॉल बोलेंगे। यस सर। इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो बहुत मतलब रेयर है कि कोई 3 घंटे से ज्यादा की हो, और डिस्टेंस जो है उनका 20-3200 किलोमीटर होगा। पहली चीज चलो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, 3 चीजें हैं शॉर्ट हॉल, मीडियम हॉल और लॉन्ग हॉल। ठीक है, शॉर्ट हॉल, मीडियम हॉल और लॉन्ग हॉल। शॉर्ट हॉल क्या होगा, 3 घंटे या 3 घंटे से कम की जो फ्लाइट होगी वो शॉर्ट हॉल होगी। ठीक है, क्लियर है? 3 घंटे की या फिर 3 घंटे से कम की जो फ्लाइट है वो शॉर्ट हॉल होगी। उसके बाद मीडियम हॉल में जो 3 से 6 घंटे की फ्लाइट होगी वो मीडियम हॉल होगी, और 6 घंटे से जो ज्यादा बड़ी फ्लाइट होगी, 6 से 12 घंटे या उससे ज्यादा, वो होगी लॉन्ग हॉल। ठीक है अर्चना, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो सिर्फ इतना सा टॉपिक है आपका शॉर्ट हॉल लॉन्ग हॉल का। बात तो ये है कि इसको आपको खुद बना के लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी नोट से आप चेक कर सकते हो। इसमें मेन यही यस रहेगा सर। कि जो होल्स है मतलब जो फ्लाइट का जो टाइमिंग है, और इसमें मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ कि फ्लाइट की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस कितना है फ्लाइट का उस चीज के ऊपर। तो उस चीज के ऊपर ये सारी चीजें डिवाइडेड है, शॉर्ट हॉल, लॉन्ग हॉल और हमारा मीडियम हॉल। शॉर्ट हॉल में क्या होगा, 3 घंटे या फिर 3 घंटे से कम की जो फ्लाइट है वो शॉर्ट हॉल होगी। फिर उसके बाद आएगा हमारा सेकंड मीडियम हॉल, 3 घंटे से लेके 6 घंटे तक की जो फ्लाइट होगी वो मीडियम हॉल होगी। उसके बाद आएगा हमारा लॉन्ग हॉल, लॉन्ग हॉल में क्या होगा, 6 घंटे से 12 घंटे की जो फ्लाइट होगी वो लॉन्ग हॉल होगी। यस सर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट कैरियर्स। लो कॉस्ट कैरियर क्या होता है? सर इसमें मतलब कि कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, ये सिंपल वो होती हैं, मतलब इनमें फूड वगैरह कुछ सर्व नहीं होगा। अच्छा, और सर छोटे डिस्टेंस पे ट्रेवल करती हैं और इन। सर मोस्टली इनके सारे एयरक्राफ्ट सेम ही होते हैं, अच्छा ठीक है, ताकि सर उनकी सर्विसेज करने के लिए मतलब कि ज्यादा खर्चा ना आए। कोई एग्जांपल इसके जो सर इंडिगो। भी हमारे इंडिया में डोमेस्टिक एयरलाइंस चलती हैं वो सारे लो कॉस्ट कैरियर्स ही होते हैं। इनका यस सर। एक सिस्टम रहता है, कई बारी क्या होता है ये नए एयरक्राफ्ट्स नहीं परचेज करते, सेकंड हैंड क्राफ्ट एयरक्राफ्ट परचेज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर मतलब सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट परचेज कर लेंगे, क्यों, ताकि इनकी कॉस्ट जो है वो बच सके, मतलब कॉस्ट को सेव करने के लिए। ठीक है, अपने यस सर। इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए और एक्सपेंसेस को कम करने के लिए ये जो है वो
सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट परचेज कर लेते हैं, या फिर अगर इन्हें देना भी है तो बल्क में ऑर्डर देंगे ताकि इन्हें प्राइस में एडवांटेज मिल जाए डिस्काउंट्स के थ्रू, ये चीज ठीक है। एलसीसी नॉर्मली ऑफर पॉइंट टू पॉइंट एयर सर्विसेज एंड ऑफर सर्विसेज टू स्मॉलर एयरपोर्ट्स एंड सिटीज। लो कॉस्ट कैरियर जो है वो नॉर्मली हमारे पॉइंट टू पॉइंट एयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं और सर्विसेज देते हैं छोटे एयरपोर्ट्स में भी और सिटीज में भी। इसमें क्या होगा, ये सेव कर लेता है उनको जो एयरपोर्ट के चार्जेस ज्यादा होंगे, ये चार्जेस जो उन्हें पे करने पड़ेंगे उससे ये सेव हो जाएंगे। और जो ज्यादातर हमारे लो कॉस्ट कैरियर रहते हैं वो डेवलप करते हैं एक से ज्यादा बेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने डेस्टिनेशन कवरेज और डिफेंड करने के लिए मार्केट जिसको वो सर्व कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, जब हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस सर, सेंटेंस में एक बार बता दूं, चलो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कल है ना आपका लेक्चर अगला कि आज भी है सर? कल ही होगा, टाइम टेबल देखा नहीं सर मैंने। भी आज होगा, हाँ 604 का है 145 पे। चलो ठीक है, ओके okay।